सुन्नी मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार और कत्ले आम के विरुद्ध पूरे देश में धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इन विरोध प्रदर्शनों में मुसलमान ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों के लोग भी शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में जमीयत उलमाए हिंद दिल्ली सूबे की तरफ से विरोध प्रदर्शन 21 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर होने जा रहा है। इसी सिलसिले में जमीयत के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद आबिद कासमी से हमारी संवाददाता ने मुलाकात की। आइए जानते हैं क्या कारगुजारियां चल रही हैं जमीयत की। किस तारीख को जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसके लिए आपकी क्या क्या तैयारियाँ हुई हैं? 21 तारीख में जंतर मंतर पर जमीयत उलमा सूबा दिल्ली जो एहतजाज करने जा रही है उसके लिए तैयारियां बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही हैं और हम कॉलोनी कॉलोनी जा कर के लोगों को बेदार कर रहे हैं, बता रहे हैं और भरपूर लोगों की हमें हिमायत हासिल हो रही है। इस प्रदर्शन में सरकार से क्या मांगे रहेंगी आपकी? सरकार से हमारी मांगे यही हैं कि बर्मा के मजलूम मुसलमानों के साथ अपनी हिमायत और जिस तरीके से भी हो सके उन्हें राहत मिलनी चाहिए। हम वज़ीर आज़म से भी यही मुतालबा कर रहे हैं कि उनकी हर तरीके से मदद की जाए। बर्मा में हो रहे कत्लेआम के बारे में आपका क्या कहना है? ये जो बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों पर ज़ुल्म आम कत्लेआम हो रहा है, ऐसा तो कभी दुनिया की तारीख में कभी भी नहीं हुआ और ऐसा हिटलर ने और आई ने भी ऐसा नहीं किया। जिस तरीके से जो कौम अमन पसंद समझी जाती थी वो आज इस तरह के इकदामात कर रही है। हम ये भी चाहते हैं कि जिस तरीके से इस मुल्क में अफ़ग़ानिस्तान और तिब्बत, इसी तरीके से नेपाल और दीगर मुमालिक के लोग यहाँ रहते हैं, उनको रिफ्यूजी का दर्जा दिया गया है, तो अगर जिस यहाँ 40,000 के करीब बर्मा के रोहिंग्या मुसलमान पहले से रह रहे हैं तो उनको रिफ्यूजी का दर्जा दिया जाना चाहिए और जो आना चाहते हैं उन्हें भी इसी तरीके से रखा जाना चाहिए। और हुकूमत का ये इकदामी कदम जो 30 टन माल इन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों के लिए पहुंचाया है वो काबिले तारीफ़ है। हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि ये इसी तरीके से बर्मा के रोहिंग्या मुसलमानों के लिए मदद करते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि उनको इसी तरीके से रिफ्यूजी का दर्जा दिया जाएगा। बर्मा में जो कुछ भी हो रहा है जमीयत उसके लिए क्या कर रही है और जमीयत का रोल क्या है बर्मा में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए? जमीयत उलमा हमेशा इंसानियत के लिए काम करती है। अभी हाल ही में गुजरात में जो सैलाब आया और उसकी तबाही सब पर आया है उसके लिए जमीयत उलमा ने हर तरीके से काम किया और हर तरीके से मदद पहुंचाई। और आज भी बिहार के अंदर जो सैलाब आया उसमें जो तबाही मच रही है, सैकड़ों कारकुन जमीयत उलमा के वहाँ काम कर रहे हैं आज भी और हर तरीके से वहाँ किसी तरह की कोई तफरीक नहीं देखी जा रही है और करोड़ों का काम जमीयत उलमा वहाँ कर रही है। मकानात बना कर दे रही है, खाने पीने का इंतज़ाम कर रही है। इसी तरीके से जमीयत उलमा जो यहाँ मुल्क में रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं बर्मा के, उनके लिए पहले से मदद कर रही है और आज भी इसी तरीके से उन रोहिंग्या लोगों के लिए जमीयत उलमा हर तरीके से मदद करती रहेगी। जो लोग जो रोहिंग्या मुसलमान बर्मा से बांग्लादेश पहुँचे हैं तो जमीयत उसके लिए क्या करेगी? जमीयत उलमा इंटरनेशनल जमात है। जैसा कि नेपाल के अंदर जलजला आया उसके अंदर हर तरीके से मदद पहुँचाई जमीयत उलमा ने, इसी तरीके से रोहिंग्या मुसलमानों के लिए भी बांग्लादेश में हर तरीके की मदद पहुँचाएगी।